जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, ठीक है, तो UGC की एक गाइडलाइन जारी हुई है जिसके बारे में आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरे साथ आप बने रहिएगा। इससे पहले चैनल पर नए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड, विश्वविद्यालयों को परीक्षा लेने की इजाज़त मिल गई है। लेकिन 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 जो फ्रेंड्स, जो मेरे दोस्त ये सोच रहे थे कि वो फाइनल ईयर में, फाइनल सेमेस्टर में एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। नई गाइडलाइन के अनुसार होम मिनिस्ट्री ने कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों को अंतिम सत्र, ध्यान दीजिएगा, अंतिम सत्र की परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी है। केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद UGC ने सोमवार को आपातकालीन एक बैठक की है जिसमें विश्वविद्यालय एवं समस्त संस्थानों को सितंबर आखिरी तक परीक्षा कराने को कहा गया है। क्योंकि पहले जो UGC की गाइडलाइन थी और उसमें जो अकेडमिक सेशन था वो सितंबर था, लेकिन अब कोविड की वजह से उसको थोड़ा चेंज कर दिया गया। अब अकेडमिक सेशन में भी 1 मंथ एक्सटेंड हो सकता है, इसीलिए UGC ने ये कहा है कि सितंबर तक, आखिरी तक, जैसे भी हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, XY हो, जैसे भी हो, आपको एग्ज़ाम कराने हैं। तो ये फैसला लिया गया है कि जुलाई में परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती है क्योंकि 31 जुलाई तक वैसी लॉकडाउन की वजह से शिक्षण संस्थान बंद हैं। अगस्त और सितंबर में अगर हालात यदि ठीक हुए तो विश्वविद्यालय अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन एंड ऑफलाइन परीक्षा ले सकते हैं। लेकिन आखिरी सेमेस्टर और अन्य सेमेस्टर के नतीजे पिछली जो उनके इंटरनल असेसमेंट हैं उसके आधार पर घोषित किए जाएंगे। बता दें कि आखिरी सेमेस्टर के अलावा अन्य सेमेस्टर के नतीजे पिछले प्रश्न और आखिरी सेमेस्टर के आधार पर घोषित किए जाएंगे। UGC ने भी यह कहा है कि जो छात्र सितंबर परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे उन्हें विश्वविद्यालय एक और मौका देगा। ठीक है, तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो गाइडलाइन होंगी, आपके आरोग्य सेतु आपके ऐप में, आपके फ़ोन में होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए और सारी जो फैसिलिटीज़ हैं सैनिटाइजेशन वगैरह की आपके विश्वविद्यालय में होनी चाहिए। तो ये कहा गया है कि होम मिनिस्ट्री की ओर से और UGC की गाइडलाइन के अनुसार, क्योंकि अंतिम सत्र की परीक्षाएं सितंबर तक कराने को कहा गया। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत, यहाँ पर इन्होंने ये कहा गया कि आखिरी सेमेस्टर के अलावा इट मीन्स आखिरी सेमेस्टर और आखिरी ईयर को छोड़ के जितने और भी ईयर में, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 या फिर 1, 2 जो भी XYZ है, उनको इंटरनल असेसमेंट के आधार पर पास करके रिजल्ट घोषित करने को कहा गया है। तो आपको ये न्यूज़ कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्टर में। बाकी आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा कुछ भी है। थैंक यू।